हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्प्लॉयज की रेंज है और ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें से रोल नंबर हटा देता हूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ, क्रिएट पे गए, क्वेरी डिजाइन पे गए और इस क्वेरी डिजाइन में हमें स्टूडेंट की टेबल लेनी है, ऐड करवाना है इसको, और स्टूडेंट की टेबल से हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नेम चाहिए। अब ये स्टूडेंट नेम हमने ले लिया और जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि अबंडेंट मतलब काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट की ये नेम की रेंज आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका काउंट हो जाए कि कितना ये स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। जैसा कि शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये काउंट कैसे करेंगे, हम काउंट करना हो तो इसके लिए आपको क्रिएट कि ये हमने जब ये क्वेरी बनाई थी तो इसे हम वापिस से क्या करते हैं, यहीं से हमने डिजाइन व्यू पे ले लेना है इसको। तो ये देख सकते हैं डिजाइन व्यू पे इसको ले लिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रुप बाई आएगा, ठीक है। ग्रुप बाई आने के बाद यहां पर आपको काउंट दिखाई पड़ेगा और यहां से काउंट पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए ये कुल मिलाकर के 30 इंप्लॉइज हैं। अब ये 30 इंप्लॉइज हैं या नहीं इसको देखने के लिए यहां पर ये रोल नंबर देख लीजिए आप, और यहां से मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, देखिए कुल मिला के कितने इंप्लॉय हैं, 30 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। अगर आप इसको अपडेट करते हैं, लाइक यहां पर कुछ इंप्लॉयज के नाम बढ़ाते हैं, लाइक यहां पर कुछ लिख देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं रानी, ठीक है। फिर यहां पर लिख देता हूं शैलेश, ये दो नाम मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करता हूं, यहां से सेव कर लेता हूं, इसको सेव कर लिया, एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं और ये जो क्वेरी बनाई है यहां पर आते हैं और यहां अभी भी 30 दिखाई पड़ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहां पर देखिए ये 32 हो गया अपने आप। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, एक बार काउंट लगा दीजिए फिर आप काउंट करते रहेगा, वो अपना काम अपने आप करते रहेगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।